श्यामा मंदिर में हिप हॉप भक्ति नृत्य से लोगों का मन मोहा। शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी के मौके पर युवाओं को भक्ति अध्यात्म की तरफ मोड़ने और धरोहर की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ओडिसी नृत्य की जानी मानी संस्था दृष्टि फाउंडेशन के कलाकारों ने श्यामा मंदिर में हिप हॉप शैली के भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। इस नृत्य संगीत ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वेस्टर्न और क्लासिकल शैली फ्यूजन के रूप में हिप हॉप के नाम से चर्चित गीत और नृत्य को खास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया गया। कलाकार अदिति ने कहा कि आजकल युवा वेस्टर्न शैली के म्यूजिक और डांस ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर युवाओं को इंडियन क्लासिकल पसंद नहीं आता। इसी को देखते हुए महिषासुर मर्दिनी माता की आराधना करते हुए इस नृत्य की प्रस्तुति की गई है। ये हमारा जो परफॉर्मेंस है ये श्यामा माई के मंदिर में इसीलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि दरभंगा की श्यामा मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस है ये हिप हॉप के साथ क्लासिकल का ये जो मिक्स है ये मतलब कि आजकल की युवा पीढ़ी को हिप हॉप म्यूजिक रैप म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हिप हॉप रैप म्यूजिक वो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यह परफॉर्मेंस पूरा श्यामा माई पे आधारित है और यह हम मनोकामना करते हैं कि यह परफॉर्मेंस उन्हें बहुत ही पसंद आए। आज के दौर में जो हिप हॉप आया है वो बहुत ही नया प्रकार का है जिसमें हम सिर्फ हिप हॉप का मतलब ही होता है जिसमें ज्ञान को हम बांटें हम बढ़ाएं और उसी तरीके से ये हिप हॉप मैंने माँ श्यामा माई दुर्गा देवी के लिए मैंने लिखा था और इसको मैंने बहुत ही अलग अंदाज से लिखा क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये नई चीज़ है। ये बहुत मतलब कि भारत में भी इसको 10 साल ही हुआ है और युवा पीढ़ी इसे बहुत पसंद करती हैं और ये बहुत आकर्षित भी लगेगा और हम अपने कल्चर से रूट से जो हम अलग होते जा रहे हैं उससे भी हम एक तरह से जुड़ते जाएंगे। धरोहर को संरक्षण करने के उद्देश्य से श्यामा मंदिर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सारे बच्चे कोई प्रोफेशनल नहीं है, सारे बच्चे स्कूल के पर सृष्टि फाउंडेशन का स्थापना 14 जुलाई 2006 को दरभंगा में की गई थी और इस बार उसने 15 वर्ष पूरा करके 16वें वर्ष में प्रवेश किया है। हमारे बच्चे 2007 से लेकर के 2011 तक कंटिन्यू नेशनल अवार्ड हमारे बच्चे ने ही लिया है जिसका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं बिहार गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर जा करके और लगातार हमारे उड़ीसी नृत्य को नेशनल लेवल तक हम लोगों ने परफॉर्मेंस कराया है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।